हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रेसिपी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, जो मार्केट जैसे ही घर में आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक कटोरे ले लिया है, और ये जो है ना पाउडर, ये गुलाब जामुन का पाउडर है, मार्केट में ऑलरेडी मिलते हैं बना हुआ और आसानी से घर में बना सकते हैं। तो मैं आज गुलाब जामुन बनाने जा रही थी, तो सोचे आप लोगों के साथ शेयर करूं वीडियो। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाउडर ले लिया है, और थोड़े थोड़े मैं दूध दे के इसका, मैं जैसे आटे का गूनते हैं ना उसी तरह आटे जैसा इसे गून लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ऐसे गीला करना है, बिल्कुल नॉर्मल में रखना है ताकि अच्छी तरह से इसका लड्डू बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े थोड़े दूध दे के इस तरह से मैं इसका बना लूँगी इसका लोइया। यहाँ पर देखिए बन गए हैं, और इसे अच्छी तरह से मैश लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ताकि लड्डू बनाने में ना फटे ना, अच्छी तरह से इसको और मैसेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आटे गुलाब जामुन का ये जो पाउडर है अच्छी तरह से ये हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये तैयार है, और इसे मैं हाथों के हथेली से इस तरह से लड्डू बना लूँगी। और क्या है ना, अच्छी तरह से आटे यदि नहीं सनाते ना तो अच्छा से लड्डू भी नहीं बनते, फट फट जाते हैं। तो वो अच्छी तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लड्डू बन के तैयार है। तो इस तरह सभी आटे को इस तरह लड्डू के शेप बना लेंगे, और यहाँ फ्रेंड्स लगभग 15 लड्डू बन के हमारे तैयार। और यहाँ गर्म होने के लिए तेल को दे दिए थे, और ये तेल हमारी गर्म हो गई है। अब हम जा रहे हैं इसे फ्राई करने के लिए, तो एक एक करके तेल में दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं रिफाइन यूज कर रही हूँ, आपके पास जो है वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं रिफाइन यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है घर में गुलाब जामुन इस तरह से बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर हर गुलाब जामुन को इसी तरह फ्राई कर लेंगे, और इसे पलट लेंगे दोनों तरफ से, ब्राउन कर लेंगे दोनों तरफ से। फ्राई हो गए, अब मैं इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारे रसगुल्ले के इसी तरह निकाल लेंगे, और यहाँ सारे गुलाब जामुन को निकाल लिए हैं। अब हम जा रहे हैं चाशनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई ले लिए हैं, और कढ़ाई को गर्म होने के लिए दे दिए थे, और यहाँ पर पानी दे देंगे। इसका मैं जा रही हूँ चाशनी बनाने के लिए, और यहाँ पे देखिए मैं चीनी दे रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैंने बड़े कटोरे से एक कटोरा मैंने चीनी दिया है, जिससे अच्छी तरह से चाशनी बन जाए। और इसे मिक्स कर लेंगे चीनी का घोल को, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने चाशनी में दे दिया था गुलाब जामुन को, देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार है, बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी। तो यहाँ पे देखिए दो मैंने कटोरे निकाल लिया है, और इसे मैं काट के दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल अंदर तक इसका चाशनी गई है। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक रहें।